हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चाल और वेग। इसके प्रीवियस दो वीडियो भी मैं बता चुका हूँ आपको, और आज हम बात करेंगे संवेग के बारे में। और इसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, चाल और संवेग जो यूनिट है आईटीआई फर्स्ट ईयर का, उससे रिलेटेड। देखिए दोस्तों कि संवेग क्या होता है। वैसे हम देखें तो सिंपल देखें तो क्या होता है, पी बराबर एम गुणा बी होता है, पी बराबर एम बी होता है, मतलब कि बल यहाँ पे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। क्या होता है यहाँ पे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। लेकिन इसकी जो ओरिजिनल परिभाषा है उसके बारे में हम बात करें तो संवेग किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए लगाए गए बल एफ, किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया बल एफ तथा द्रव्यमान और वेग की गुणनफल पर निर्भर करता है। जो यहां पे संवेग है, कोई भी वस्तु को आप रोक रहे हो उसके लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, और संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर ही निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पर और भी मतलब वेग पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। संवेग संवेग किसी वस्तु के किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। वेग के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। इसे हम P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं भाइयों, से P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह है क्या है, एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अब इसके सूत्र के बारे में हम बात करें तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होगा, वेग। द्रव्यमान गुणा क्या होगा यहां पे, वेग। और संवेग को आप P से प्रदर्शित करते हो, P बराबर होगा m गुणा बी। ये क्या हो गया भाइयों, संवेग हो गया। क्या हो गया, ये संवेग हो गया। इसके मैं मात्रक की बात करूं तो यहाँ का देखो द्रव्यमान किस में होगा, केजी में होगा या फिर ग्राम में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मात्रक, एमकेएस प्रणाली में हम मात्रक की बात करें, एमकेएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है, एम को किससे लिखते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में होता है, केजी में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, केजी और वेलोसिटी मतलब वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से देखिए मीटर प्रति सेकंड, ये किसका मात्रक हो गया, किलोमीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये क्या होता है, संवेग का मात्रक होता है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया संवेग के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे न्यूटन के नियम के बारे में, और न्यूटन के क्या समीकरण है। और इसके बाद हम जो बात करेंगे
ठीक है दोस्तों, न्यूटन की गति के समीकरण। न्यूटन की गति के समीकरण, अब यहाँ पे देखिए जो न्यूटन ने लॉ दिया था इनका गति के समीकरण कौन कौन से है जिससे हम त्वरण याद कर सकते हो या उनसे समय याद कर सकते हो या वेग याद कर सकते हो, तो कौन कौन से समीकरण है? प्रथम समीकरण है इसका फर्स्ट इक्वेशन, अब जो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है उसके बारे में हम बात करें तो क्या होता भाइयों, v बराबर u माइनस u प्लस क्या होता भाइयों at, ये तो क्या होता है न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण, ये क्या होता है न्यूटन गति का प्रथम समीकरण होता है। हम यहाँ पे बात करें b, ये तो क्या होता है अंतिम वेग, कैपिटल b है यहाँ पे, ये क्या होता है अंतिम वेग। और हम बात करें u के बारे में तो यहाँ पे u होता है प्रारंभिक वेग, क्या होता है भाइयों प्रारंभिक वेग, और a क्या होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, क्या होता है वस्तु का त्वरण, और टी क्या होता है यहाँ पे समय। ये क्या होते हैं भाइयों न्यूटन की गति का समीकरण, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण। हम इसके द्वितीय समीकरण के बारे में बात करें कि इसका द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या होता भाइयों ut प्लस क्या होता है हाफ at स्क्वायर, ये क्या होता है न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण है। अब इसमें s क्या होती है दूरी, u प्रारंभिक वेग, और t क्या होता है टाइम, और a यहाँ पे क्या होता है त्वरण। इसी प्रकार न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण, यहाँ पे देखिए इसका तृतीय समीकरण क्या होगा, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2af, ये क्या होता है न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण है। इनके द्वारा हम पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं के गतिमान वस्तु है उनका हम त्वरण निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, और यहाँ पे वो कितनी दूरी तय की है वो हम इनसे निकाल सकते हैं। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जब हम क्या करते हैं किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं या फिर ऊपर से नीचे की ओर वस्तु आ रही है, तो अधिकतम दूरी इसका क्या मतलब, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो वो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। एक तो हमको अधिकतम ऊंचाई का सूत्र पता करना है कि सूत्र क्या होता है, और ऊपर से नीचे तक आने में कोई वस्तु को हमने ऊपर फेंका कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वो वापस नीचे आती है तो उसमें कितना समय लगेगा। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और जब पृथ्वी से वस्तु टकराएगी तो टकराते हुए उसका वेग, कितने वेग से वो पृथ्वी से टकराती है, ये हम तीनों चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, h बराबर u स्क्वायर बटे कितना होता है 2g, u स्क्वायर बटे क्या होता है 2g, और समय, समय निकालने के लिए सूत्र क्या होता है u बटे g,
और जब अंतिम वेग, अंतिम वेग जब वस्तु का प्रारंभिक वेग, जब वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं हम, u से, बराबर कितना हो, जीरो, तब अंतिम वेग, अंतिम वेग टकराते समय किससे टकराएगा, पृथ्वी से टकराते समय, जब वो पृथ्वी से टकरा रहा है उस टाइम की उसका वेग कितना होगा, तो ये होगा b बराबर अंडर रूट 2gh। ये क्या होगा, ये इसका सूत्र होगा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और जब वो पृथ्वी से टकराती है तो उसका जो अंतिम वेग निकालते हैं हम क्या होता है, b बराबर अंडर रूट 2gh होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों सूत्र हो गए। अब ये सूत्र मैंने क्यों लिखा है आपको, देखो आपके एग्जाम में क्या करेंगे, वो अधिकतम समय या फिर अधिकतम ऊंचाई या अंतिम वेग निकालने का सूत्र क्या होता है, ये आपको ऑप्शन में दे देगा और यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम। इसको इंग्लिश में बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे इसे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पे देखिए न्यूटन के नियम के बारे में हम बात करें तो इसने तीन नियम दिए थे, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम नियम के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, प्रथम नियम के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। अब हम बात करें कि इसका प्रथम नियम क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाया नहीं जाता। फिर से देखिए न्यूटन की गति का जो ये न्यूटन का प्रथम लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या फिर भ्राम अवस्था में है या गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, भ्रम अवस्था में है तो भ्राम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया नहीं जाता। जैसे रेल मार्ग पर खड़ी हुई रेलगाड़ी या ट्रेन, जब तक ट्रेन रेल मार्ग पर खड़ी रहेगी जब तक कि उससे इंजन जोड़ा नहीं जाता, इंजन उसको खींच ना ले, तो ये तो क्या हो गया, न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो गया। जब कोई वस्तु भ्राम अवस्था में है तो वह भ्राम अवस्था में रहेगी
गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी। गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाए। कोई बाहरी बल न लगाए। ये तो क्या हो गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया कि कोई वस्तु ग्राम अवस्था में है तो ग्राम ही रहेगी, स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु चल रही है गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया न जाए। ये तो हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद हम बात करें सेकंड नियम के बारे में। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। अब हम इसके बारे में बात करें तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि जब तक यहां पर बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है। क्या होता है न्यूटन का द्वितीय नियम, यहां पर बल त्वरण तथा द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्रव्यमान को क्या किससे लिखेंगे हम, एम से, तथा त्वरण एक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्रव्यमान एम तथा त्वरण एक के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये क्या हो गया सेकेंड लॉ न्यूटन। अब यहां पे देखिए एफ समानुपाती किसके हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती। द्रव्यमान एम हो गया और त्वरण क्या है यहां पे ए, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती। यहां पे देखिए दोस्तों जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कोई स्थिरांक लेते हैं, कांस्टेंट राशि लेते हैं जिसका मान हमेशा स्थिर होता है, तो F बराबर क्या हो जाएगा K इंटू एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा K एम ए हो जाएगा। यहां पर K क्या है, यहां पर K स्थिरांक है, क्या है यहां पर K स्थिरांक है, इसका मान हमेशा एक माना जाता है जब तक कि उसमें दिया ना जाए। जब इसका मान आप एक मानोगे तो F बराबर क्या हो जाएगा एम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाइयों, F बराबर एम ए हो जाएगा। और जो F बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये क्या होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से आता है। अब हम न्यूटन के
तृतीय नियम के बारे में हम बात करें तो बायो न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? जब आप कोई भी वस्तु पे, किसी भी वस्तु पे बल लगाओगे तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु के समान और विपरीत बल लगाती है। न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के कौन से नियम के बारे में बात कर रहे हैं हम? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब यहां पे देखिए न्यूटन का थर्ड नियम क्या होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया। शॉर्टकट में बोले तो क्या होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्या होता भाई? क्रिया की प्रतिक्रिया। यहां पे देखिए क्या होता है? क्रिया की प्रतिक्रिया। तो देखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो बल के बराबर, तो उस बल के बराबर और विपरीत 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 दूसरी वस्तु पर लगा, दूसरी वस्तु पर लगा।